जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी को लेकर। देखो, यदि आपका मिशन है एसएससी जीडी में नौकरी की लगना, आपको एसएससी जो जीडी में नौकरी लगना है और आप हर एक नोटिफिकेशन से ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो, तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं एसएससी जीडी को लेकर यदि कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले आपको ऑलवेज रिसेंटली अपडेट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी का, जो इससे पहले की जो दो भर्तियाँ थी, एक 2018 में हुई थी, उसके बाद एक 2021 में हुई और अब 2022 में हो रही है। तो इन तीनों की तीनों भर्तियों का हम एनालिसिस करेंगे कि 2018 में टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे, कितनी वैकेंसियाँ थी, पर सीट कितना कॉम्पिटिशन था, कितने कैंडिडेट पेपर में अपेयर हुए थे, फिर हम 2021 की बात करेंगे और फिर हम 2022 के बारे में एक अनुमान लगाएंगे 2018-2021 के आधार पर। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब देखो, सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ 2018 में। देखो, 2018 में टोटल वैकेंसियाँ थी 60,210। देखो यहाँ पर जो जिन सर की फ़ोटो लगी हुई है, ये सर यहाँ पर एसएससी जीडी के लिए पढ़ाते हैं, तो आप इनका बैच भी ले सकते हैं बिल्कुल गजब तरीके से तैयारी करने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। मैथ के टीचर हैं, बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर एसएससी जीडी का कम्प्लीटली बैच चलता है, ठीक है। तो देखो, 2018 में टोटल वैकेंसियाँ थी 60,210, ठीक है। टोटल फॉर्म भरे गए थे 52,20,335, 30,41,284 कैंडिडेटों ने पेपर दिया था। अटेंडेंस का रेशियो था, पेपर में प्रेजेंट होने का रेशियो था 58.26, ठीक है। अब देखो, कंपटीशन इनसे थोड़ी ना, कंपटीशन हमारा इनसे हुआ था, क्योंकि 52,20,000 में से केवल 30,00,000 कैंडिडेट पेपर दिए थे, 22,00,000 कैंडिडेट थे जिन्होंने पेपर फॉर्म तो भर दिया लेकिन वो पेपर देने के लिए नहीं गए थे। तो हमारा असली कॉम्पिटिशन किन के साथ है, इन 30,41,284 कैंडिडेटों के साथ है। तो एक सीट पर कितना कॉम्पिटिशन है, 50 कैंडिडेटों का है, ठीक है ना, क्योंकि इनके साथ हमारा थोड़ी ना कंपटीशन है। इसमें से 22,00,000 ने तो पेपर ही नहीं दिया, तो वो 22,00,000 तो हमारे कंपटीशन से पहले बाहर हो चुके थे जो पेपर देने के लिए नहीं बैठे। तो हमारा कंपटीशन किनके साथ है, इन 30,41,284 कैंडिडेटों के साथ जिन्होंने पेपर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर में प्रेजेंट होने का रेशियो कितना था, 30,41,284 कैंडिडेट पेपर में बैठे थे, जो रेशियो था 58.26% कैंडिडेट पेपर में प्रेजेंट थे, जितने फॉर्म भरे थे उसके 58.26% कैंडिडेट पेपर में प्रेजेंट थे। और एक सीट पर कंपटीशन था 50 कैंडिडेटों का। फिर हम बात करें 2021 के बारे में। देखो, 2021 में वैकेंसियों की संख्या कम हो गई थी, क्योंकि दो ऐसे इसमें डिपार्टमेंट थे जहां से एक भी वैकेंसी नहीं निकली थी, जैसे NIA से कोई वैकेंसी नहीं थी और इसके अलावा एक डिपार्टमेंट और था जिससे भी एक भी वैकेंसी नहीं थी। साथ ही साथ मैं जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर मैं बात करूँगा कि अब की बार कौन से डिपार्टमेंट में लगभग कितनी वैकेंसी आ सकती हैं। 6 डिपार्टमेंट है, 6 में से आपको कौन से को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन सी को दूसरी, कौन सी को तीसरी। सैलरी लगभग सब में बराबर मिलती है, कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस हो जाते हैं तो वो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बाकी एक बराबर सी सैलरी मिलती है सभी को। और इसके अलावा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि जो CRPF है उसमें क्या काम होता है, NIA में क्या काम होता है, असम राइफल वाले क्या काम करते हैं, इनमें से ज़्यादा बेस्ट कौन सी है, उसके बाद मतलब रैंक वाइज में इनको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो 2021 में टोटल वैकेंसी आती 25,271, 71.66 लाख फॉरम आए थे और 71.66 लाख में से 42,99,600 कैंडिडेटों ने पेपर दिया था। अटेंडेंस का रेशो था लगभग 60%, ठीक है। तो हमारा इनके साथ कंपटीशन नहीं था, हमारा कंपटीशन था 42,99,600 कैंडिडेटों के साथ जो कि पेपर में बैठे थे। तो पर सीट कंपटीशन था 170 कैंडिडेटों का, ठीक है। अब की बार वैकेंसियां आने का अनुमान है लगभग 80,000 वैकेंसी हैं, हर बार वैकेंसी भर्ती जा रही हैं, तो अब की बार हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 80,00,000 के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। देखो, 80,00,000 से कम किसी भी हाल में फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि 80,000 वैकेंसी हैं, बहुत लंबी वैकेंसी हैं। 2018, 2021 इन सब की तुलना में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं,
ठीक है, तो 80 लाख प्लस फॉर्म जाएंगे, हो सकता है 90 लाख या 1 करोड़ के आसपास भी फॉर्म पहुंच जाए, लेकिन 80 लाख से ज़्यादा रहेंगे, और कम से कम 50 लाख कैंडिडेट तो होंगे जो पेपर देने के लिए बैठेंगे। तो हमारा यहाँ पर कम से कम कंपटीशन रहेगा एक सीट पर 62 से लेकर 80 कैंडिडेटों के बीच में, हो सकता है ये 62 कैंडिडेटों से लेकर 90 कैंडिडेटों तक भी चला जाइए, कि किसका रेशियो, एक सीट कंपटीशन का रेशियो, क्योंकि यहाँ पर 80 लाख प्लस फॉर्म जाएंगे ही और 100% 50 लाख प्लस कैंडिडेट पेपर देने के लिए बैठेंगे, ठीक है ना। तो ये था 2018, 2021 और 2022 की एसएससी जीडी की जो वैकेंसियाँ थी इनका एनालिसिस। जल्दी मैं वीडियो लेके आऊँगा जिसमें जो इसके 6 डिपार्टमेंट है, 6 के 6 में से कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, वहाँ उनके संबंध में मैं आपसे बिल्कुल फुल डिटेल में चर्चा करूँगा। इसके अलावा बता दूँ मेरे प्यारे साथियों, यदि आप इस वैकेंसी के एक छोटी छोटी अपडेट से भी ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो ना, तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।